हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सेव्य कुमार और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेव्य मेंटल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बेयरिंग के टाइप के बारे में। दोस्तों, इंडस्ट्री में बहुत प्रकार के बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बेयरिंग को हम उसके फर्स्ट डिजिट को देखकर पहचान सकते हैं कि बेयरिंग का टाइप कौन सा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेयरिंग के फर्स्ट डिजिट से उसके टाइप को पहचानने के तरीके के बारे में बताऊंगा। वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेयरिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं। यदि बेयरिंग नंबर के फर्स्ट डिजिट में एक आता है और इसमें 4 डिजिट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के 1209, 1210, 1212 के 12, 13, 1309, 1310 या 1312, तो इस प्रकार का जो बेयरिंग का टाइप है वो सेल्फ लाइन बॉल बेयरिंग होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्फ लाइन मतलब अपने आप को अलाइन करने वाला, अर्थात यह बेयरिंग में मिस अलाइनमेंट के दौरान अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता होती है। यदि बेयरिंग नंबर का फर्स्ट डिजिट 2 से स्टार्ट होता है और बेयरिंग नंबर 4 डिजिट वाला है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 2200, 2204, 2206, 2207, 2210, 2215, तो यह भी सेल्फ लाइन टाइप वाला बॉल बेयरिंग होता है। परंतु यदि बेयरिंग नंबर का फर्स्ट डिजिट 2 से स्टार्ट होता है और उसे 5 डिजिट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए 22210, 22211, 22213, 22315 के 22312, 22315 या 22314, तो इस प्रकार का जो बेयरिंग का टाइप है वो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग होता है। यदि बेयरिंग नंबर का फर्स्ट डिजिट 3 से शुरू होता है और उसमें 4 डिजिट होते हैं, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए 3208, 3210, 3212, 3307, 3310 या 3315, तो इस प्रकार का जो बेयरिंग टाइप है वो है डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट टाइप बॉल बेयरिंग। और यदि बेयरिंग नंबर का फर्स्ट डिजिट 3 से शुरू होता है और उसे 5 डिजिट आते हैं, जैसे कि 30310, 30312, 32210 या 32213, तो यह जो बेयरिंग का टाइप है वो है टेपर रोलर बेयरिंग। यदि बेयरिंग नंबर का फर्स्ट डिजिट 4 से शुरू होता है और उसमें 4 डिजिट आते हैं, जैसे कि 4205, 4208, 4210, 4309 या 4312, तो यह जो बेयरिंग का टाइप है वो है डबल रो बॉल बेयरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बेयरिंग नंबर का फर्स्ट डिजिट 5 से शुरू होता है और उसमें 5 डिजिट आते हैं, जैसे कि 51203, 51210, 51212, 53206, 53210, 53313 या 53320, तो इस प्रकार का जो बेयरिंग का टाइप है वो है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। अब यदि बेयरिंग नंबर का फर्स्ट डिजिट 6 से शुरू होता है और उसमें 4 डिजिट आते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए 6205, 6209, 6212, 6315, 6318, 6320, तो यह जो बेयरिंग का टाइप है वो है सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग। यदि बेयरिंग नंबर का फर्स्ट डिजिट 7 से शुरू होता है और उसमें 4 डिजिट आते हैं, जैसे कि 7200, 7210, 7212, 7308, 7315 या 7906, तो यह जो बेयरिंग का टाइप है वो है सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। यदि बेयरिंग नंबर का फर्स्ट डिजिट 8 से शुरू होता है और उसमें 5 डिजिट आते हो, जैसे कि 81102, 81105, 81206, 89306 या 89307, तो यह जो बेयरिंग का टाइप है वो है सिलिंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग। यदि बेयरिंग नंबर अल्फाबेट जैसे NN, NF, NNU, NN से शुरू होता है तो यह सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग टाइप का बेयरिंग होता है। उसी प्रकार यदि बेयरिंग नंबर अल्फाबेट जैसे NU, NJ या NUP से शुरू होता है तो यह भी सिलिंड्रिकल रोलर टाइप का बेयरिंग होता है। आइए सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग के बारे में कुछ बातें जानते हैं।
NU, N, NNU और NN टाइप का जो बेयरिंग होता है वो फ्री इंड बेयरिंग के लिए सुटेबल होता है। NJ और NF टाइप का बेयरिंग केवल एक डायरेक्शन में एक्सियल लोड लेने की क्षमता रखता है, और NH और NUP टाइप का जो बेयरिंग है वो फिक्स्ड इंड बेयरिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हमने बेयरिंग नंबर के फर्स्ट डिजिट से बेयरिंग को पहचानने के बारे में देखा। आने वाले वीडियो में हम अलग अलग बेयरिंग के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपके 1% भी काम कर लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तथा फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसी जानकारी ले सकें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलते रहें। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं।